नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम टोकरी मॉडल थ्रेसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कितने की थ्रेसर पड़ती है, कितने की मिलेगी आपको, और ये कहाँ से ली है, और इसका जो डीजल की खपत है वो कितनी डीजल खाता है, और यह कितने आरपीएम पर चलती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना फ़ायदा है इस थ्रेसर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी गीली लाख है और ये थ्रेसर यहाँ पे चल रही है। देखिए पहले टूट शू में नहीं रही है, और ये थ्रेसर देखिए यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे देवन एग्रीकल्चर थ्रेसर है। खाली देख लो मूँगफली, तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसकी मूँगफली बताते हैं किस प्रकार से। देखिए इसकी मूँगफली कितनी साफ है, एक दूसरी उसमें कहा ना बहुत साफ आ रही है। देखिए मूँगफली देखिए गीली होने के कारण इसमें थोड़ी सी भिजी आ रही है, अगर ये गीली नहीं होती तो बिल्कुल भी दाना नहीं देती है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम जो उस ट्रैक्टर के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, और उन्होंने एक साल हो चुकी है तो ये देखिए कितनी आरपीएम पर चल रही है। तो ये बताइए आपने ये थ्रेसर कब ली? ये थ्रेसर मैंने पिछले साल ली थी 2021 में, और ये 2.5 लाख की पड़ी थी मुझे। अच्छा, तो आपने इसे पर कितने घंटे चलाई है कम से कम? इसे कम से कम 150 घंटे मैंने चलाई है पिछले साल, और काम भी अच्छा करती है, और मूँगफली बिल्कुल साफ निकालती है, और अगर गीली ना हो तो बिल्कुल दाना नहीं देती, अगर गीली हो तो थोड़ा बहुत एक आध दाना देती है। जैसे ये घंटे में ये कितने का एवरेज दे देती है? जी एक घंटे में बोगोई निकल जाएगी अपनी, वो 8-9 क्विंटल मूँगफली निकल जाएगी। ये किसानों की कैसी पसंद है ये थ्रेसर? ये किसानों की बहुत अच्छी पसंद है, क्योंकि इसमें लेबर भी कम लगती है और काम भी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए किसान इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही कम वो लगता है, अगर ये गीली मूँगफली ना होती तो इसमें कम से कम 3-4 लेबर लगती है, और ये 10 क्विंटल निकाल देती है घंटे में। अभी ये देखिए कितनी गीली है, इसे आप ये जूना सा भंज रहा है, ये टूट भी नहीं रही है, तो इसमें केवल एक ही आदमी दवा दे रहा है, तो ये किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये अगली बार चलेगी, और ये भाई समय भी जानेंगे कैसे अक्सर कितने का एवरेज दे रहा है, कितना डीजल खाता है एक घंटे में। तो आइए भैया से बात करते हैं। हाँ तो भाई ये बताइए आपका ट्रैक्टर डीजल कितना खाता है एक घंटे में? इसमें डीजल खा जाता है कोई 3.5 लीटर के आसपास, 3 लीटर, जैसी अगर गीली लाख हो तो 3.5 लीटर, नहीं तो 3 लीटर डीजल अपना एक घंटे में हो जाता है। और ये कितने रुपये घंटे चला रहे हो अभी आप? अभी 1000 रुपये घंटे चल रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे ट्रैक्टर के मालिक ने बताया है कि 3 लीटर से 3.5 लीटर तक खा जाती है, अगर ये गीली लाख है तो 3.5-4 तक पहुंच जाती है, नहीं तर आपका 3 लीटर ही खाती है। और अभी ये 900 रुपया आप यानी 1000 रुपया चल रही है अभी इस साल, और ये आपको 300 रुपये उसके अगर काट दें तो आपको 700 रुपया घंटा बचता है। तो ये आप कमेंट करके बताएं आपको थ्रेसर कैसे मिलेगी, बहुत ही कम लेबर लगती है, और मूँगफली भी आपने देखी बहुत ही साफ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।